तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस का फेमस सीरियल सीरियल अनुपमा के बारे में। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में हुआ है कुछ ऐसा कि अनुज जो है, जिस पूजा की प्रिपरेशंस बहुत ही जोरों शोरों से कर रही थी श्रुति, उस पूजा को छोड़कर चला गया है और श्रुति के नाम उसने खत भी छोड़ा है। आखिरकार उस खत में क्या लिखा हुआ है, आखिरकार क्यों पूजा छोड़कर और शादी में जो बस दो दिन बाकी हैं ऐसे छोड़कर अनुज कपाड़िया चला गया है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल अपनी शादी को लेकर जो श्रुति है वो कुछ खास ही एक्साइटमेंट है और वो जो है पूरी तैयारियां कर रही है कि जैसे शादी बहुत धूमधाम से हो, शादी बहुत ग्रैंड हो। वो एक तरीके से अनुपमा को जलाने के लिए भी कर रही है। क्या होता है कि पूजा की तैयारियां करती है, पंडित जी से बात करती है और उसके बाद वो अनुज से कहती है कि अगर माँ पापा होते तो ज़रूर ये पूजा करवाते, इसलिए मैंने ये पूजा करवा ली। अब अनुज कपाड़िया कहते हैं कि ठीक है, तुमने अच्छा करा, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं वो हर चीज़ ले आऊँगा। उसके बाद क्या होता है, अब श्रुति कहती है कि नहीं, मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है, बस प्रसाद बाकी है, वो मैं अनुपमा को कॉल करके बोल देती हूँ, अनुपमा कर देगी। अब इस पर अब श्रुति थोड़ा सा अनुज को देखकर थोड़ा सा ये हो जाती है कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट ने ही हमारे पूरी शादी का केटरिंग संभाला है, इसलिए मैंने सोचा कि प्रसाद भी वही लोग बना देंगे। इस पर अनुज कहता है कि तुम अनुपमा को ज़्यादा तंग मत करो, ये समय अभी भी वो छोड़ने गई होगी सब लोगों को इंडिया जाने के लिए, तुम नहीं करो। उसके बाद अब क्या होता है कि अनुज के दिलो दिमाग पे ये बात चल रहा है कि आखिरकार वो अनुपमा के सामने कैसे शादी करेगा। उधर अनुपमा भी बहुत परेशान है, बापूजी से कह रही है कि हाँ जब शादी होगी तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद मुझे बापूजी अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। जी हाँ, लेकिन अब क्या होता है कि जिस दिन पूजा है, सारी तैयारियाँ हो गई है, हर कोई तैयार है पूजा के लिए बैठने के लिए, श्रुति तैयार है, लेकिन अब क्या होता है कि अनुज कपाड़िया श्रुति के नाम का एक खत छोड़ता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। अब आप भी जानने को बेताब होंगे कि आखिरकार उस खत में ऐसा क्या लिखा हुआ है। उस खत में अनुज कपाड़िया ने लिखा है कि मैं अनुपमा के होते हुए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना श्रुति, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्यार बस अनुपमा से करता हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बार शादी की है वो अनुपमा से, और हमेशा मैं उस शादी को निभाना चाहता हूँ।